नमस्कार दोस्तों, निलॉन्स परिवार में आपका स्वागत है। आप इस परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं और कंपनी को इस बात का गर्व है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, निलॉन्स का नाम आज देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में मशहूर हो गया है। कंपनी द्वारा निर्मित अचार, सॉसेज, जैम्स, टूटी फ्रूटी, मसाले इत्यादि खाद्य उत्पादन आज करोड़ों लोगों की पसंद बन चुके हैं। ग्राहकों को इन उत्पादनों का स्वाद तो पसंद है ही, साथ ही उनकी गुणवत्ता पे भी पूरा भरोसा है। उन्हें यकीन है कि निलॉन्स के उत्पादन स्वादिष्ट हैं, स्वास्थ्यप्रद हैं और सही हैं। तो आज हम देखेंगे इन विविध उत्पादनों की गुणवत्ता आखिर कैसे टिकाई जाती है और निर्माण प्रक्रिया में किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है। हमें इसे समझना है और इस पर अमल करना है, क्योंकि निलॉन्स कंपनी का नाम बनाए रखने और उसे ऊंचाइयों पर ले जाने की जिम्मेदारी अब आपके सक्षम कंधों पर है। तो चलिए देखिए इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, फैक्ट्री में प्रवेश के दौरान सिगरेट, तंबाकू, गुटखा इत्यादि जैसी हानिकारक वस्तुओं को लाना निषेध है। यदि फिर भी आपके पास ऐसी कोई वस्तु हो तो उसे सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान सिक्योरिटी गार्ड के पास जमा कर दें। प्रोडक्शन एरिया में प्रवेश करने से पहले आपके शरीर में मौजूद कोई भी कीमती चीज, अंगूठी, घड़ी, चेन, अन्य आभूषण या फिर हाथ में पहनने वाले धागे को निकालकर लॉकर में रख दें। अपने जूते, चप्पल, सैंडल आदि निकालकर कंपनी के साफ जूते या चप्पल पहने। इसके बाद आप सभी को कंपनी की यूनिफॉर्म, एप्रन, हेड कवर व मास्क पहनना अनिवार्य है। तो दोस्तों, प्रोडक्शन एरिया में जाने से पहले आपके हाथों की सफाई बड़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कि हाथों को स्वच्छ रखने की सही प्रक्रिया क्या होती है। हाथों को नल के नीचे पहले गीला करें, पर्याप्त मात्रा में साबुन लगाएं, हाथों को अच्छी तरीके से रगड़ें, फिर पानी से हाथों को धोएं, फिर हैंड ड्रायर के नीचे हाथों को सुखाएं, हाथों को टिश्यू पेपर से पोंछें और फिर टिश्यू पेपर को कचरेदान में डाल दें। पूरी स्वच्छता के लिए हाथों पे IPL सॉल्यूशन लगाने के बाद ही प्रोडक्शन एरिया में प्रवेश करें। फूड इंडस्ट्री में हाथों को साफ रखना बेहद जरूरी है। केवल प्रवेश करते समय ही नहीं बल्कि हाथों की सफाई का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलो देखते हैं कि काम करते वक्त कब कब हाथ धोना अनिवार्य होता है। चलिए, छींकने या खांसने, कचरा या गंदगी छूने, सर खुजाने, शौचालय जाने या खाना खाने इत्यादि के पश्चात आपको अपने हाथ धोने चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा स्वास्थ्य वर्धक निर्माण प्रक्रिया यानी गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस GHP के बारे में। प्रोसेसिंग विभाग में जहां माल खुला पड़ा हो वहां खांसना, छींकना टालें। नाखून चबाना या काटना भी सख्त मना है। जहां खाद्य पदार्थ खुले पड़े हो वहां मास्क का प्रयोग अवश्य करें। पानी पीने के लिए प्लास्टिक बॉटल जार के बदले स्टील के ग्लास का इस्तेमाल करें। दोस्तों, जैसे स्वयं की साफ सफाई महत्वपूर्ण है, उसी तरह कंपनी परिसर और प्रोडक्शन एरिया को साफ सुथरा और कीटाणु रहित रखना भी अनिवार्य है। इसके लिए जरूरी है प्रोसेसिंग विभाग का दरवाजा बंद रखें, गीले फर्श को तुरंत सुखाएं ताकि वहाँ बैक्टीरिया ना जन्मे। यदि कहीं कीटक जीव जंतु दिखें तो तुरंत अधिकारी को सूचित करें। गटर व नाली को नियमित साफ करें। कचरा कूड़ेदान में ही डालें, उसे ढक के रखें तथा उसे नियमित खाली करें। काम खत्म हो जाने के पश्चात मशीनों, उपकरणों और औजारों की साफ सफाई जरूर करें। प्रोडक्शन की जगह साफ करें, सफाई के लिए सही केमिकल्स का उपयोग करें। सफाई के वक्त हैंड ग्लव्स का उपयोग अवश्य करें। जाते समय
खाद्य पदार्थों को ढकना ना भूलें। दीवारों से निकल रहे कलर या प्लास्टर की परत को नियमित तौर पर साफ करें और कंपनी परिसर में यहाँ वहाँ ना थूकें। चूहे पकड़ने वाली तथा मच्छर मारने वाली मशीनों को लेबल करें। मच्छर मक्खी मारने वाली मशीनों को रोजाना साफ करें तथा उन्हें खाद्य पदार्थों से दूर रखें। ध्यान रहे कि इन मशीनों को 7 फीट की ऊंचाई पर रखें। पेस्ट कंट्रोल रसायनों को उपयोग के बाद उचित जगह पर रखें। जहां खाद्य उत्पाद रखे हैं वहां केमिकल्स का छिड़काव ना करें। पेस्ट कंट्रोल के बाद चलते हैं उत्पादन या प्रोडक्शन एरिया में, जहां हमारे अलग अलग उत्पादन तैयार किए जाते हैं। उसके बाद बात आती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की, जिसे हम GMP भी कहते हैं। इसके अमल से उत्पादनों की गुणवत्ता बनी रहती है। इसके अंतर्गत आपको निम्न बातों का ख्याल रखना है। निर्धारित शास्त्रीय प्रणाली से ही काम करें। उचित तापमान पे कच्चे माल को गर्म करें। प्रोसेसिंग के समय सही तापमान, सही प्रेशर तथा निर्धारित अवधि का पालन करें। प्रिजर्वेटिव का सही मात्रा में उपयोग करें। दोस्तों, खाद्य पदार्थों में यदि कोई फॉरेन पार्टिकल या बाहरी अवशेष मिलता है तो कंपनी की प्रतिष्ठा व गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इसलिए निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें। प्लास्टिक तथा चीनी मिट्टी की वस्तुओं को प्रोसेसिंग एरिया में ना रखें। स्टेपलर के पिन, कटी वायर, ब्लेड इत्यादि लापरवाही से यहाँ वहाँ ना छोड़ें। मेटल डिटेक्टर्स या मैग्नेटिक ग्रिल्स का नियमित उपयोग करें। पैकिंग, वेइंग, सॉर्टिंग जमीन पर बैठकर ना करें, बल्कि जमीन से 3 फीट ऊंची टेबल पर करें। इससे थकान भी कम होती है और प्रोडक्शन में बढ़ोतरी। दोस्तों, फैक्ट्री में कहीं ऑटोमेटिक मशीन है तो कहीं हाथों का काम ज्यादा। छोटी से छोटी लापरवाही से हम किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं तथा उत्पादन की गुणवत्ता भी दांव पे लग सकती है। तो ध्यान रखें, चलती मशीन में हाथ ना डालें। मशीनों से निकलते हुए ऑयल को बंद करें। मशीनों में फूड ग्रेड ग्रीस ही इस्तेमाल करें। उपयोग में ना आने वाले खाद्य पदार्थों को हमेशा ढककर रखें। कंपनी के गोदाम व स्टोर रूम, जहां कच्चा और तैयार माल रखा जाता है, उसका सही रखरखाव भी काफी महत्वपूर्ण है। तैयार माल व प्रोसेस मटेरियल को अलग अलग रखें। हर पैकेट पर उचित लेबल लगाएं, जिससे उसे ढूंढना आसान हो जाए। नॉन फूड ग्रेड मटेरियल को कच्चे व प्रोसेस माल से अलग रखें। तैयार माल के बॉक्सेस या कट्टों पर ना बैठें, ना चलें। ज्यादा वजन वाले माल को नीचे रखें व कम वजन वाले माल को उसके ऊपर रखें। हर बक्से पर दर्शाए गए निर्देशों का पालन करें। सभी माल को दीवार से 1.5 फीट की दूरी पर रखें। और याद रहे कि मच्छर मारने वाली मशीन के नीचे माल को ना रखें। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक सही चेकिंग सिस्टम अनिवार्य होता है, जैसे सभी इंस्ट्रूमेंट्स की समय पर कैलिब्रेशन करना, प्रोडक्शन के समय पर बैच की ऑनलाइन टेस्टिंग करना और सही सैंपलिंग करना। यदि कोई बैच या माल गुणवत्ता की कसौटी पर खरा ना उतरे तो उसकी तह तक जाना और उसका कारण खोजना, ताकि भविष्य में वो गलती दोबारा ना हो। उत्पादनों के साथ साथ कर्मचारियों की सेहत भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। काम करते समय अपनी सेहत को नजरअंदाज ना करें। यदि आप शारीरिक या मानसिक अस्वस्थता अनुभव करें तो HR अधिकारी को तुरंत सूचित करें। चाहे सर्दी हो या खांसी, उल्टी हो या दस्त, कान या नाक का बहना, कोई जख्म हो, कोई अंग जल गया हो, इन सभी परिस्थितियों में HR विभाग को जरूर सूचित करें। यह मालूम पड़ने पर आपको कौन सा काम दिया जाए, इसका निर्णय HR अधिकारी लेता है। दोस्तों, प्रोसेसिंग कार्यों में अनेक एलर्जेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हमें विशेष सावधानी बरतनी होती है। एलर्जन पदार्थों का इस्तेमाल करने से पहले तथा पश्चात हाथ अवश्य साफ करें तथा एलर्जी संबंधी कोई भी जानकारी अपने HR सहकारी को बेझिझक बताएं। चलिए दोस्तों,
अब नजर डालते हैं कंपनी की सुरक्षा व अनुशासन नीतियों पर। हर शिपमेंट व इनवर्ड मटेरियल को सिक्योरिटी विभाग से चेक करवाना आवश्यक है। अपने वाहनों को निर्धारित जगह पर व्यवस्थित रखें। आपातकालीन परिस्थितियों में अलार्म बजने पर सुरक्षा मार्ग से बाहर निकलें। कंपनी परिसर में यदि कोई संदिग्ध या अनदेखी वस्तु मिले तो तुरंत सिक्योरिटी अधिकारी को सूचित करें। और हाँ दोस्तों, अपनी कंपनी को देखने आए विजिटर्स को भी निम्न बातों का ख्याल रखना होता है, जैसे कि विजिटर फॉर्म को पूरी तरह भरना, विजिटर रजिस्ट्रेशन में एंट्री करना, विजिटर पास को गले में लटकाना, मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखना, प्रोडक्शन एरिया में प्रवेश करने से पहले विजिटर को एप्रन, मास्क, कैप व शू कवर लगाना आवश्यक है। भाइयों और बहनों, मुझे विश्वास है कि आप इन सब महत्वपूर्ण बातों पर गौर करेंगे और इन सारी विधियों का अनुशासन पूर्ण पालन करेंगे, प्रचलित प्रोसेस में और सुधार लाने में अपने अमूल्य सुझाव देंगे। निलॉन्स की प्रगति का श्रेय आप जैसे कर्मचारियों को ही जाता है।